जों 17 तारिख कायसा खम दङ कायसा गो एडवाइजर नेबो मोनबाय आरटीआर माने कि इंडिपेंडेंट कायसा जों गोवा गारानि गो मोनै गो सिद्रास कि सामानो आमना सों कन्डेम खायना बदै और ट्रेसमेंट खाय जाता एक्चुअली सों आज एडवाइजर ने बो मोनै जे आरटीआर माने सों साइमि आंनि साइमाना मुसोंनि से सों आरटीआर एडवाइजर टाम खाय तो टाम टाम मान टाम माया सों आरो कोनो साया केम न सों साइमाना मुसोंना आ जिनिसता सोंहा उनका आरटीआर खायगा गाय इंडिपेंडेंट आमनो बिसिंगलबाबे गोवा गारन दंनै हामिया सामानि सों आमनो सापोर्ट खाया आमनि बागै जों आरो उनका प्लेसमेंट खायजाका सों एक्चुअली खनलुङा सिन कलेज दङ बरफ पैरामेडिकल उनका बरफ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन आ कलेज नते कैसे किस इश्यू दंग आ इश्यू नते सों गोवागारा बै सालेमेन करे गोवागारा सागा सोंना आमनो सल्यूशन खाइनानि बागै ब अलरेडी डिसिशन निरिखा आं आमन बागै गोवागारा ना खामबायरि ना मुसंग ब सिन बरं बागै गाहाम न खाइनाय आशा खायो लगे तंगनाय दाव फिसा मिसा हामिया वान सुखा न बदंगै तिब्रा सानै हामिया आंलाग आमते हिनि आं वान सुखु आसाङानि क फैकेसन सुङा आदा गजे फैकेसन कि सुमन था टीटीएडीसी में कैप्टन जी एस राठी इनके इस ऑफिस के पोजीशन को जो क्रिएट किया गया टीटीएडीसी में इस ऑफिस के बारे में जानकारी लेने के लिए एप्लीकेंट जितेंद्र वर्मा जी ने अप्लाई किया अंडर आरटीआई व्हिच वाज रिटन बाय मी एंड आई एम आल्सो अ एप्लीकेंट सवाल यह है कि टीटीएडीसी में एडवाइजर का जो पोस्ट है इसके एग्जिस्टेंस को लेके इसके ऑफिस के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेके इसके सैंक्शंस और इधर लीगल स्टैंडिंग को लेके जस्ट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन तो इंडिपेंडेंट एक चैनल है आपका उन्होंने फ़ोन किया था जितेंद्र बाबू को इससे जानकारी ली थी तो जस्ट आरटीआई रिलेटेड उन्होंने बता दिया बट फिर इंडिपेंडेंट ने उसको बहुत अभद्र तरीके से शब्द प्रयोग करके प्रेजेंट किया बाटपार वगैरह जो ऐसे चीज़ का हम टोटली कंडेम करते हैं इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू टॉप अप विद अ मसाला एंड प्रेजेंट इट फॉर जस्ट योर पर्सनल एनिमिटी और वेंजेंस दैट वी आर नॉट हियर फॉर दैट थिंग महाराष्ट्र का आपका डिफरेंसेस हो सकता है बट हमारा आरटीआई का यूज करके आप जिस तरीके से ट्विस्ट करके दिया है उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते एज ए पर्सन वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबडी इवन राठी जी के अगेंस्ट भी हमने कोई ऐसा पर्सनल लेवल पे कोई ये नहीं है जस्ट हमको एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आरटीआई में चाहिए विद ड्यू रिस्पेक्ट टू राठी जी पोजिशन एंड अदर डिग्निटरीज इट इज जस्ट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आरटीआई एज अ सिटीजन वी वॉन्टेड टू नो और कुछ फाइनेंशियल कंटिजेंसी होती है जिसका एक कंजंक्शन होना ज़रूरी है उसके कुछ लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही हमने लिया है और राठी जी के अगेंस्ट में हमारा कोई कुछ नहीं है बट इसको कोई न्यूज़ कैसे प्रेजेंट करता है ये उनका व्यक्तिगत है उससे हमारा कोई एसोसिएशन नहीं बट इससे प्रोजेक्शन क्या निकला गलत जब कैप्टन साहब ने जब इसको क्लैरिफिकेशन दिया तो वो ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट के साथ आरटीआई जुड़ा है फर्स्ट थिंग आरटीआई हमारा इंडिविजुअल कैपेसिटी में हुआ है इंडिपेंडेंट का ये प्रोपोगंडा नहीं है हम इंडिपेंडेंट के पिट्ठू नहीं है सैकत तलपत्रा के पिट्ठू नहीं है हम तलपत्रा तो कोलकाता में रहता होगा क्या करता होगा उसको ही मालूम है हम इधर इंडिपेंडेंट आरटीआई पे अच्छा दूसरा बात उसने बोला है कि आरपीआई का 10-12 कर्मी गया है हु टोल्ड दैट इन्फॉर्मेशन टू हिम जितेन बाबू इज जनरल सेक्रेटरी ऑफ आरपीआई विच इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन मिनिस्टर रामदास आठवले बट ये इंडिपेंडेंट लेवल का आरटीआई है यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स कुछ नहीं 10-12 जिसने कार्यकर्ता लेके गया कोई 10-12 नहीं था मैं और जितेन भाई बाबू थे सिर्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए थे आरपीआई का कोई लेना देना नहीं ये पॉलिटिकल माइलेज लेने का कोई तो काम कर रहा है और दूसरी बात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आज की डेट में त्रिपुरा में डिफंक्ट है इसका कोई कमेटी एज ऑफ नाउ हमने फॉर्म नहीं किया जब होगा तब प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे अभी जो है बस पुराने हैं कोई नए से कुछ नहीं है तो कोई आपको बोलेगा आरपीआई का ये मैं ये हूँ उसको मानिए भी मत सेकेंड थिंग आरटीआई हमने इसलिए किया है कि इसकी लीगैलिटी को हम चेक कर सके कि सारा कंप्लायंस आरटीआई का इस पोस्ट को लेके एडवाइजर का पोस्ट को लेके जिसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसमें सीईओ के बाद अगर सेकंड रैंक पे कोई है तो वो क्या फैसिलिटी ले रहा है क्या पर्क्स ले रहा है क्या रिम्यूनरेशन ले रहा है ये पैसा गवर्नमेंट का है इसलिए इसकी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को क्वेश्चन करने के लिए हमने लिया और कुछ नहीं सेकेंडली दूसरा बात यह है जितेन बाबू का बोरोक हमथराई वेलफेयर सोसाइटी का जो सोसाइटी का कॉलेज चलता है बोरोक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन I am proud to say that Tripura has taken an initiative to open a college for
the welfare of the downtrodden people in Tiprasa region, indigenous area. And I am proud he is first person to open that college. अभी दो साल से जो कॉलेज चल रहा है, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को एफिलिएशन है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का, सडनली उसको आज एविक्शन करने का 9th मार्च को नोटिफिकेशन आता है. आई डू नॉट नो हु इज एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग दैट डिसीजन. वी गॉट अ लेटर फ्रॉम एडिशनल सीईओ इन विच ही इज टेलिंग दैट आई एम बीइंग डायरेक्टेड बाय सम हायर अप. तो हु इज दैट हायर अप, वी वॉन्ट टू नो. दूसरी बात, जो चल रहा है कॉलेज उसको हटाने का कॉन्स्पिरेसी क्यों हो रहा है. सेकेंडली, अभी ज्वाइंट एंट्रेंस का नॉमिनेशन सीट मैट्रिक्स हमको मिला था 12 सीट्स का, तो उसको भी ये कोई एमडीसी है त्रिलोचन नाम का, उसका किस अथॉरिटी में उसने लेटर इशू किया डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन को. फर्स्ट वी वांट टू फाइंड आउट दैट डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने उस सीट मैट्रिक्स को होल्ड पे डालने का डायरेक्टर ज्वाइंट एंट्रेंस को लेटर दे दिया. व्हाई दे हैव नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन कि बोरोक जिसका ये इशू है उसको पहले पूछा जाए कि आपका स्टैंड क्या है. सी, यू नीड टू गिव फेयर opportunity to be heard under all circumstances. Before that, if you are acting, वो arbitrarily high-handedness होता है और director of medical education is answerable for that. Those who have caused damage to the institution will be answerable. Sir, one thing, इसके पीछे और sensitive conspiracy ये है कि eviction का notice देने के बाद 13th March को हमने reply किया है कि इस कॉलेज का जगह का एक्सटेंशन दिया जाए. अभी ये इशू ऑलरेडी गोवर्गा जी को, महाराज जी को बोला गया है जितेन बाबू की तरफ से. ही विल सेड दैट ही विल लुक इनटू दिस इनजस्टिस. सेकेंडली, आज हमको कुछ देर पहले जब सामाजिक सम्मेलन ले रहे, इससे कुछ देर पहले सिदाई पीएस से, राधापुर पीएस से फोन आता है कि उनके खिलाफ 420 का मामला गया है. ऐसा कौन है वो व्यक्ति जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? क्यों एक तिपरासा का कॉलेज का एग्जिस्टेंस आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है? तो आने वाले दिनों में तिपरासा के नाम पे धंधा बंद करो. कोई भी तिपरासा के नाम पे धंधा बंद कर दो, ये चलेगा नहीं. दूसरी बात, जितेन अकेला नहीं है, महाराष्ट्र से उसका भाई अशफाक इधर खड़ा है एंड आई ऑल्सो वन ऑफ द पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग आरपीआई, यूनियन मिनिस्टर आठवलेस पार्टी. हमारे साहब के पास सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है और साहब के पास पूरे इंडिया का एट्रोसिटी का रिव्यू की अथॉरिटी है. धंधे पे लगा दूंगा अगर किसी ने उसको हैरेस करने का कोशिश किया, किसी ने उसके खिलाफ एट्रोसिटी किया, तो याद रखना पाला हमसे पड़ेगा. ठीक है, ये ओपन चैलेंज दे रहा हूं मैं लीगल वे में. जिसको जो करना है जाके कर ले,